पूर्व मुख्यमंत्री जिनको हम सभी जननायक के नाम से जानते हैं, इसे महामना कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती समारोह के अवसर पर हम सभी उपस्थित हुए हैं। हम सभी के बीच में आज बीएन मंडल विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव प्रोफेसर सचिंद्र महतो जी हैं। हम सभी के बीच में बीएन मंडल विश्वविद्यालय के पूर्व सीसीडीसी और सामाजिक क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वहन करने वाले ऐसे डॉक्टर अमोल राय जी हम सभी के बीच में उपस्थित हैं। हम सभी के बीच में अपने समय में छात्र राजनीति में रहे और लंबे समय तक समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे और बाद में विश्वविद्यालय में अपनी सेवा दे रहे ऐसे हमारे अंकल आदरणीय शंभु नारायण यादव जी। हम सभी के बीच में नवनियुक्त प्राचार्य सीनियर सिंडिकेट के माननीय सदस्य डॉक्टर जवाहर पासवान सर। इस हमारे बीच में विश्वविद्यालय के उपकुल सचिव शैक्षणिक डॉक्टर सुधांशु शेखर जी, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष शंकेश गोप जी, माया के उपाध्यक्ष सौरभ जी, माया के संरक्षक बड़े भाई तुर्वसु जी, हम सभी के संरक्षक प्रशांत जी और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों, हम सभी का एक लगातार कर्पूरी जी के विषय को लेकर हम सभी संघर्षरत थे और पिछले दिनों हम लोगों ने इसी स्थल पर कर्पूरी जी की प्रतिमा लगाने के लिए शिलान्यास भी किया और इस कैंपस में मुझे लगता है कि ये पहला श्रद्धांजलि कार्यक्रम है कर्पूरी जी का। इस अवसर पर हम अपने शंभू अंकल से आग्रह करेंगे कि हम सभी को दो शब्द संबोधित करें। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी पिछड़ों के मसीहा, वे जुवानों के जुवान और झोपड़ी के लाल का आज जयंती समारोह में हमारे बीच मौजूद संघर्ष के प्रतीक बीएन मंडल के विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव डॉक्टर महतो साहब, हमारे गार्जियन बीएन मंडल विश्वविद्यालय के पूर्व सीसीडीसी अमोल बाबू, केपी कॉलेज मुरलीगंज के यशस्वी प्रधानाचार्य और ये हम लोगों के समाज के युवकों को नई दिशा, नया सोच और अच्छे समाज की कल्पना के लिए संघर्ष के लिए प्रेरित करने वाले जवाहर बाबू, हमारे विश्वविद्यालय के यशस्वी उपकुल सचिव शैक्षणिक और पीआरओ डॉक्टर सुधांशु शेखर जी, माया के कर्तव्यनिष्ठ नेता और आज जो हम लोग यहाँ जयंती मनाने आए हैं उसके सूत्रधार कर्पूरी जी को यहाँ स्थापित करने वाले राहुल जी, तुर्वसु जी, अन्य सभी मेरे भाई, यहाँ समया भाव तो है ही और इस बार हम लोग प्रथम बार यहाँ इनके जयंती में हैं। सिर्फ एक शब्द कहना चाहूँगा, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बाद देश में यदि कोई सामाजिक विचार आया है जिसको अपने आत्मसात किया है वो स्वनाम धर्म कर्पूरी जी है। मैं
उनके सैकड़ों सभा में युवा और छात्र कार्यकर्ता के रूप में रहा, उसको नजदीक से देखा, नाम से भी हमको जानते थे, उनके यहाँ बराबर जाते थे, पटना में बैठने का भी सौभाग्य मिलता था। एक दिन की मैं स्मृति सुनाना चाहूँगा अपने गार्जियन को। इस विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति पूज्य डॉक्टर रवि साहब के साथ जब वो एक विधायक थे प्रथम बार, तो उनके साथ मैं कर्पूरी जी के निवास पर रात के 7:30 बजे दीपावली के दिन गया था। वहाँ देखा था 10-20 दीपक जल रहा था और एक पैकेट में बजरंगबली थान का मिठाई वहाँ रखा था। ठीक है, अलग पार्टी में थे उस समय रवि बाबू, लेकिन रवि बाबू उन्हें संभी साहब कहते थे, क्योंकि उनके छोटे पुत्र का शादी मधेपुरा में दरोगा जी के यहाँ था। रवि बाबू जैसे ही गए उपस्थित रह गए और उठ के जैसे संधी मिलान होता है भर पांच पकड़ के गला मिले और बैठा है। उसके बाद कर्पूरी जी अपने से वो मिठाई का पॉकेट लेके रवि बाबू को दिए, तो रवि बाबू एक मिठाई बजरंगबली थान का लिए और फिर हमको दिए, तो हम दो मिठाई लिए। एक मिठाई लिए तो कर्पूरी जी कहते हैं, चाचा जी जरा गौर फरमाइएगा, कर्पूरी जी कहते हैं आप बच्चे हैं, आप शंभु जी कम से कम दो मिठाई लें। तो मैं दो मिठाई लिया, उसके बाद वो काफी गंभीर हो गए, आंखें उनकी छलक गई और कहते हैं, डॉक्टर साहब महंगाई इतने चरम सीमा पर है, तो अच्छे ढंग से दीपावली मनाने के लिए कम से कम 500 रुपए चाहिए। मैं उस समय कुछ मैच्योर नहीं हुआ था, हमको हंसी लग गई। बोले आप शंभु जी हंसते हैं, हम कहे सर 1000 का तो हम पड़का फोड़ के आए हैं आपका आशीर्वाद, उसने आप कहते हैं 500 रुपया में अच्छे ढंग से दीपावली हो जाएगा। तो कर्पूरी जी कितने बड़े सोच के आदमी थे, जब जिंदा थे हम लोग नारा लगाते थे झोपड़ी के लाल, तो कुछ लोग विरोधी कमेंट करते थे इनके ऊपर, लेकिन जब वे खड्यंत के शिकार हुए, यह समाज खड्यंत का शिकार हुआ और कर्पूरी जी के संबंध में एकाएक 3 बजे के करीब यह मैसेज फैल गया, जब कर्पूरी जी नहीं रहे, नमक का घोल पिलाते पिलाते एक साजिश के तहत, वह राजनीतिक साजिश था, पिछड़ों के कमर को तोड़ने का साजिश था, उनको इंजेक्ट किया जो ब्लड प्रेशर का शर्तिया इलाज एक दिन में भी कर, और वो सहज विश्वास भी करते थे, क्योंकि वो हृदय से जो बोलते थे वही करते थे, तो लोगों पर भी विश्वास करते थे और सहज वो निम्बक का घोल पीते पीते वो दुनिया छोड़ के चले गए। तो डॉक्टर मिश्रा का
वतना बरा अभी तक बहुत प्रधानमंत्री का निधन हुआ, इंदिरा जी की निर्मम हत्या हुई, राजीव गांधी का हत्या हुआ, लेकिन वतना बरा कवरेज अखबार में, रेडियो में, टीवी पर कर्पूरी जी के निधन का कवरेज किसी को नहीं मिला। और डॉक्टर मिश्रा का निकला था, अभी नहीं अलविदा कहेंगे वो मेरे अखर में। जहाँ कोई घटना घटती थी, घटना स्थल पर सबसे पहले कर्पूरी जी पहुंचते थे। लगता था जो नेता विरोधी दल है, कर्पूरी जी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। उनके निधन के बाद लगा जो विरोध करते थे उनको, सही में वो झोपड़ी के लाल थे। पीतोंजिया में वह छोटा सा एक उसका घर, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। मैं ऐसे महामना को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शंभु बाबू को। हम इस कड़ी में आमंत्रित करेंगे अपने अभिभावक डॉक्टर अमोल राय जी से कि हम सभी को दो शब्द से संबोधित करें। सम्माननीय अध्यक्ष जी, इस जन्म जयंती समारोह के मुख्य आकर्षक कुल सचिव प्रोफेसर सचिंद्र महतो जी, हमारे प्रिय अनुज प्राचार्य कोपी कॉलेज जवाहर पासवान जी, उप कुल सचिव सुधांशु जी, मेरे प्रिय शंभु नारायण जी, अंकेश जी, बंटी जी, सबसे पहले तो मैं राहुल जी को और माया के जितने सदस्य हैं सबको दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने यह बहुत बड़ा काम किया कि ऐसे विभूति जिनकी प्रतिमा यहाँ इससे भी बेहतर स्वरूप में स्थापित होना है, मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आज इस जन्म जयंती के अवसर पर जिस महापुरुष को हम लोग याद कर रहे हैं, शंभु जी ने ठीक ही कहा कि बहुत बार मौका मिला सुनने का, देखने का, परखने का। मैं तो बिल्कुल करीब था उनके, चूँकि मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ करता था उस समय में। और दिल की गहराई से हम उनको आदर करते थे, सम्मान करते थे, आज भी करते हैं, जीवन के अंतिम सांस तक करते रहेंगे। इसलिए कि उनका सोच, उनके विचार, उनके कर्म, सबों को देखने का मौका मुझे बहुत करीब से लगा। और मधेपुरा के बहुत सारे लोग उनके करीब थे। हमको लगता है कि जो जितने करीब थे, जो दूर भी थे, उनको यह महसूस होता था कि ठाकुर जी मुझे ही बहुत मानते। जैसे हम कभी जाते उते थे उनके यहाँ, बरबस जाते ही थे, पटना में जाने का मतलब था कि जरूर एक बार दर्शन के लिए जाएं।
आइए आइए मधेपुरा नरेश, बोली क्या हाल बैठिए। बहुत सी वैचारिक बातें होती थी, बहुत सी बात सीखने को मिला। मुझे याद है, मैं अपनी ही स्वार्थ की बात आपको बताऊं, मैंने बिंदेश्वर पासवान जी हमारे साथ ज्वाइन किए, हरिहर साहब 84 का समय था। हमको हुआ कि भाई आप, वो हरिजन सीट था, बिहारी गए नहीं, उदा किशुनगंज करके था उस समय में विधायक, बिंदेश्वर जी को हम ले गए कि चलिए बिंदेश्वर जी आपको टिकट का प्रयास कर देंगे। जवाहर बाबू जितने महान थे वो व्यक्ति, बिंदेश्वर जी बनावटी नेता बनाए गए। मैंने अपना पैजामा दिया, चलते फिरते जो वो कुर्ता है वो दिया, पुराना होना चाहिए था, नहीं तो नया जोगी बुझाता। कर्पूरी जी के पास ले गए, हमने इनका डिटेल्स परिचय दिया कि अच्छे रिजल्ट वाले अच्छे प्रोफेसर हैं, उदा किशनगंज विधानसभा से इनको होना चाहिए, कुमारखंड विधान, कुमारखंड उदा किशनगंज कट के कुमारखंड नाम से हो गया, मुरलीगंज कुमारखंड ये सब एक ही था। तो मुरलीगंज उस समय में पड़ा था, सब उनको थोड़ा सा होता है ये। तो उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए मोदी, ये तो हो गया कैंडिडेट, लेकिन आप आरपी यादव से मिल लीजिए। आज तो आरपी यादव नहीं है, जब तक वो रहे और हम दोनों का रिश्ता रहा और वो रिश्ता और गहरा गया। कर्पूरी जी ने कहा कि अमोल जी टिकट इनको देंगे और आप निश्चिंत रहिए, एक बार रामविलास जी से मिल लीजिए। चूंकि बिंदेश्वर जी का घर हाजीपुर पड़ता है, हाजीपुर से वो एमपी थे, वो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर थे, आरपी भी थे, रामविलास जी बहुत आदर सम्मान किए, पूर्व परिचय हम लोगों का रहा है, छात्र आंदोलन से उनके करीब थे, वो बहुत सीनियर थे हम लोगों से। रामविलास जी इनको झिझक दिए थे, अकेले में भेजे थे कि तुम कहाँ जाकर के उदा किशनगंज में सपना देख रहे हो, मधेपुरा जिला में वहाँ एक से एक धुरंधर है। आए तो फिर हमने गया रामविलास जी को सारी बात कर्पूरी जी को बता दी, कहा कि आप निश्चिंत रहिए इनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन एक रास्ता हम दिखाते हैं। वो पूर्णिया का बनमनखी, वहाँ इनको आप नॉमिनेशन करा दीजिएगा, यहाँ के लिए मौजूद रहिएगा। शंभू जानता है क्योंकि रवि बाबू लेकर के आए थे सिंबल बिंदेश्वर का। ये बेचारे नए जोगी थे, इनको तो कपड़ा पहना के हम ले गए थे, ये मूर्ति को एक नईम फारूकी जी थे, दोनों गए नॉमिनेशन किए, इसके बाद वो लौट के नहीं आके घूमना शुरू किए, सिंबल आ गया यहाँ मधेपुरा रवि ओके। अब सिंबल भर के देना था, ये गायब थे, हम फेल कर गए, तो हुआ यही समझौता कि नहीं सो जो पहले थे नवल भारती जी उन्हीं को दे दिया जाए, टगनवार से बचा जा सकता है। तो खैर हो गई बात, बिंदेश्वर जी फिसल गए। कर्पूरी जी ने हमको कहा कमोल जी आप तो जुआ हारने के लिए खेलते हैं, दत्त कैसा कैसा काम किया, हम कुछ जवाब नहीं दे पाए, इतने सहज दिल के थे और इतना बड़ा विशाल इनका था दिल,
उस समय के कांग्रेसियों ने, कांग्रेस की सरकार ने या कांग्रेस चलाने वालों ने बिहार में शेरे बिहार रामलखन सिंह यादव को पैदा किया, लेकिन जिस जात अभी बदनाम है, दरकिनार है, वो जात कर्पूरी ठाकुर को नहीं छोड़ा, वो जात है यादव। जिस कांग्रेस ने बाबू दरोगा प्रसाद राय को मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित किया और इनसे तोड़ना चाहा, लेकिन ये लोग नहीं टूटे समाजवादी के साथ, कर्पूरी जी इनके नेता थे। तो इतने महान थे कर्पूरी जी। कर्पूरी जी की हजारों कहानियां, पचासों हम लोगों से आप बीती है। इतने महान व्यक्तित्व आज के समय में विरले है, हम लोगों के प्रेरक पुरुष हैं, इन्हें नमन करता हूं। और आने वाली पीढ़ी जो भार आप लोगों के कंधे पर हैं, जिसको खास करके यहाँ माया के रूप में जो ये चला रहे हैं, राहुल जी, तुरवसु जी, अंकेश जी या और जिनके संरक्षण में सुधांशु जी ऐसे, जवाहर बाबू ऐसे व्यक्ति, शंभु जी ऐसे हैं, निश्चित रूप से यह आगे बढ़ेगा और नई पीढ़ी को जो है संदेश इनका देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम इस कड़ी में पूर्व कुल सचिव प्रोफेसर सचिन महतो जी से आग्रह करते हैं कि हम सभी को संबोधित करें। अध्यक्ष के रूप में विद्यमान हमार बेटा राहुल, अनुज, अमोल राय, प्रियशाला शंभू, गांधी बाबा के रामजी सिंह के चेला सुधांशु, बड़ा प्रिय पावन गंगा के निर्मल जल जका सदृश जका, गंगा जल जका हमर जवाहर, जवाहर तो छे आई हर एगो सब बेटा तो छे अहाँ ई बेटा नाम ली कोई बेटा के असली जे अपने के नहीं तो सबक बेटा छी, एक हम अपन बेटा नहीं मानै छी। आई खोड़ा सबके देखै छी, हम एतेक प्रबुद्ध लोक के बीच में जकर भविष्य बड़ा उज्ज्वल छै, हम चार तीन महापुरुष के नाम कहब, पढ़े वाला छ पढ़े जा। भगवान बुद्ध जब बोध गया से ज्ञान प्राप्त कैके सारनाथ में गेलखिन प्रथम भाषण दैले, तो पांचटा लोक हुनका भाषण में रहें छन बात सही। ईसा मसीह बेथलेहम से ज्ञान प्राप्त कैके जब प्रथम भाषण देलखिन तो हुनका बारहटा चेला सुने वाला देख रहा था दुनिया भर में की भए गेलै ईसा मसीह के हाल। कार्ल मार्क्स मरलखिन न तो सात आदमी हुनका दफनाबे ले गेल रहे, मात्र सात आदमी, तेरह नहीं हमरा तो जे अपना है जे सात आदमी भाषण में एंगल्स एंगल्स के भाषण भले रहे वो लंदन में जैठाम दफनाएल जो यदि आज विज्ञान को कोई ऐसा रास्ता निकलता कि इसके ब्रेन को हम सुरक्षित रख लेते तो दुनिया का नक्शा कुछ दूसरा हो जाता। एंगल्स के भाषण से तो मैं इन महापुरुषों का बतलाया जो क्या
आज की तिथि में कर्पूरी जी के मधेपुरा की धरती पर विश्वविद्यालय प्रांगण में जो हम उपस्थिति देखते हैं तो हमको मैंने याद आ गई उन महापुरुषों सब की, जो महापुरुष सब आज संसार को हिला रहे हैं। थॉट दैट मूव द वर्ल्ड, एक पत्रकार का है लेख, हम लोग प्री यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, थॉट दैट मूव द वर्ल्ड, आइंस्टीन हो या फिर फोर जी सिक्स जी वाले सब। कहने का मतलब ये है कि ब्रेन का ट्रांसप्लांटेशन होता है, ब्रेन का भ्रूण प्रत्यारोपण जो होता है ना, तो हम तो अंग्रेज बनिया को देखे जो भारत से औद्योगिक क्रांति के भ्रूण को उखाड़ करके मैनचेस्टर और लंकाशायर में लगा दिया। इंडिया टुडे को यदि पढ़िएगा इम्पॉवरिशमेंट ऑफ इंडिया, दादा भाई नरोजी की किताब को पढ़िएगा, ये बहुत प्रमुख दो ग्रंथ हैं अंग्रेजी साम्राज्य पर, दादा भाई नरोजी का इम्पॉवरिशमेंट ऑफ इंडिया, जहां कहीं भी हो खोज करके आद्योपांत उस किताब को पढ़िएगा, भारत का दरिद्रीकरण। और इंडिया टुडे 1935 में प्रकाशित है, उधर किशोर थे, उधर ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो इंडिया एक्ट बन रहा था 1935 का, और रजनी पाम दत्त इंडिया टुडे लिख रहे थे। उस इंडिया टुडे में वो लिखते हैं कि यदि 1757 में सिराजुद्दौला पलासी की लड़ाई में नहीं हारते और 1764 में मीर कासिम बक्सर की लड़ाई में नहीं हारते तो जो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई है वह औद्योगिक क्रांति भारत में हो जाती। और उसका उदाहरण देते हैं तो बंगाल के जुलाहा, इतनी मांग बढ़ गई थी दुनिया के बाजार में बंगाल के वस्त्र की कि वो मशीन को पैदा कर देता। हैदराबाद का जो अभी कुतुब मीनार पर स्तंभ है उसमें जंग नहीं लगता है स्टील, हैदराबाद का लोहार दुनिया में जिसके लोहा को दमिश्क का ब्लेड बनाया जाता था उस समय में, वो लोहार मशीन बना देता, लोह भट्टी बना देता। और तब आज दुनिया का नक्शा जो विश्व युद्ध को नहीं देखता सुधांशु, यदि भारत में वह औद्योगिक क्रांति हो गई होती तो दुनिया के प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति की रोटी और आजादी की गारंटी यह औद्योगिक क्रांति कर दी। दुखद स्थिति ये है कि अंग्रेज बनिया ने मानव भ्रूण प्रत्यारोपण के पहले मशीन को भारत के गर्भ से निकाल करके लंका शहर मैनचेस्टर में लगा दिया और दुनिया को अंधकार में धकेल दिया। ये है इतिहास। और मैं बहुत संक्षिप्त में भारत के इतिहास को आप लोगों के सामने में रखने का काम किया, कर्पूरी जी के गवाही, कर्पूरी जी की गवाही, न जायते मृते कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयो अजौ नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणेन हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये शरीर का पात होता है, विचार का पात नहीं, वो शाश्वत।
मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं चेतना को पहले और पदार्थ को बाद में रखना चाहता हूँ। आइंस्टीन ने साफ कहा है mc² है ना, ई बराबर mc² भूत चेतना अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे से अलग नहीं होता है। कहने का मतलब कि आज मैं बिहार की धरती, और शंभू जी ने ठीक कहा, पिटोरिया में देखने का मौका मिला है। कर्पूरी जी मुख्यमंत्री थे तब, मजाक से उनके मालिक सब, उनके दादा परदादा के मालिक सब कहते थे, तो कर्पूरी जी को, अरे कर्पूरिया हमार केस कन्हे कह दे, कहते हाँ मालिक हम तुरंत के बना दी। अब बिहार के इसके नेता आप याद कीजिए, कर्पूरी ठाकुर मैंने कबीर को गुंडा है और दुनिया को ज्ञान दे रहा है, पोथी पर जगमुआ पंडित भयान को जाई अक्षर प्रेम का परेश पंडित, रैदास जूता बना रहे हैं और लिख रहे हैं जो जात चमारा कहता है, ये जात पात कुछ नहीं, खुद अपने को चमार कहते थे और फिर कहते थे जात पात कुछ नहीं। उसी तरह से कबीर अपने को जल्हा कहते थे और कहते थे जात पात पूछो नहीं। थे कहने का मतलब ये है कि आज कर्पूरी जी के इस जन्म जयंती पर किशोर जैसा भी नौजवान आ गया है, मैं माया की और ये जो नौजवान सब बैठे हुए हैं और इनके जो गुरु सब हैं बैठे हुए, जीवंत गुरु तो जवाहर है, सुधांशु हैं, और हम लोगों तो, हम लोग अमोल जी सब तो अब खेप गए हैं। मैं आज कहता हूँ और संकल्प ले माया वाले, जो मधेपुरा में मधेपुरा यूथ फॉर कास्टलेस इंडिया मूवमेंट को चलाने के लिए संकल्प ले, मधेपुरा यूथ फॉर कास्टलेस इंडिया, रामजी बाबू हमको कहते थे, हे इनके सामने में कहा था, जो सचिंदर जी मैं आपको अपने गांधी प्रतिष्ठान में ले जाऊंगा भाषण दिलाने के लिए, रामजी बाबू हमको कहे थे एशियन फिलोसफी कांग्रेस में। मैं जब गया था तो संजोग सिंह विश्वविद्यालय, उस समय में कौन थे प्रसाद जी, ये वाइस चांसलर मुजफ्फरपुर वाले सिन्हा जी, उन्होंने भोज का आयोजन एक दिन का किया था, उस मैंने एशियन फिलोसफी कांग्रेस में देखा, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित भोज, और दुनिया भर के है गवाह, एस्पियांटा थी जो महासचिव वर्ल्ड फिलोसफी कांग्रेस के, अमेरिका के वो बहुत बड़े माने दार्शनिक जो प्रेसिडेंट अब हैं नहीं हैं, बहुत दिन हो गया, तो ये सब लोग थे और सारे एशिया के फिलोसफर जमा थे, उसमें फर्स्ट थे रामकृष्ण राव अध्यक्ष थे। मुझको कहा कास्ट कास्ट कास्ट, सचिन जी आप एकदम ठीक कहते हैं, जितनी जल्दी ये कास्ट चला जाए भारत से उतना अच्छा। सिंपोजियम हो रहा था और वो सिंपोजियम क्या, भारत सरकार का जो संस्कृत विश्वविद्यालय है उसके सिंडिकेट का नाम है पंडित महासभा, जिस भारत सरकार का जो विश्वविद्यालय है संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली में, उसके सिंडिकेट का नाम है पंडित महासभा। संजोग से एक दिन उस पंडित महासभा का सिंपोजियम था, उसमें एशियन फिलोसफी पर विचार विमर्श होना था, मैं भी घुस गया और मैं एक प्रश्न बना दिया, जो पंडित जी भारत से जात कब जाएगी, और कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति अध्यक्षता कर रहे थे, मैंने उनके हाथ में जाकर के वो प्रश्न दे दिया।
शंकराचार्य से टिक वाला सब बैठा हुआ था अगल बगल में। वो कुलपति जी वो प्रश्न को दे दिए एक टिक वाला के हाथ में, दूसरा टिक वाला दे दिया दूसरे के हाथ में, और फिर लौट करके वो प्रश्न आ गया कुलपति के हाथ में। 2 घंटा तक भाषण चला, मैं श्रोता बना सुना रहा, आए बाएं तें करते रहा। अंत में वो यहाँ पर आए हुए थे, वो सचिव जो थे उस समय में रिसर्च यूनिवर्सिटी में आए हुए थे, तो वो कहा जो भोजन भोजन भोजन। उनके जो सचिव जी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया और आप भोजन करने के लिए जा रहे हैं। मैंने खड़ा होकर के कुलपति से कहा जो कुलपति महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर था, पंडित जी भारत से जात व्यवस्था कब जाएगी। एक टिक वाला उठ करके कहा जो बड़ा बदमाश है, भारत ने जात व्यवस्था नहीं बनाई है, कोई बदमाश सब बनाया है। Okay, कमाल का है पंडित जी, मनुस्मृति कोई अम्बेडकर बनाया है क्या? मनुस्मृति कोई हमारे जोलहा कबीरदास और चमार रैदास का लिखा हुआ है क्या? अरे तो आपके संस्कृत भाषा थी और आपने बनाया है, और फिर कहते हैं कि कुछ बदमाश ने बना दिया, भारत में जात पात नहीं है। जब खत्म हो गया तो मैं कुलपति को दरवाजे पर पकड़ा, कहा जो मेरे प्रश्न का उत्तर का भविष्य देगा, वही भविष्य है यहाँ पर बैठा हुआ, मैं बोल रहा हूँ और मेरा गवाह सुधांशु है। मैं भी प्रथम डिप्टी रजिस्ट्रार एकेडमिक में ही था, रवि जी मुझको बनाए थे एकेडमिक रजिस्ट्रार, और मैंने एकेडमिक रजिस्ट्रार रहते हुए झारखंड सहित सारे विश्वविद्यालय का नया सिलेबस आया था, तो प्रथम बार उस सारे सिलेबस को मैंने बनवाया और झारखंड सहित सारे विश्वविद्यालय में कुलाधिपति ने उसको लागू किया। डिप्टी रजिस्ट्रार एकेडमिक के रहते मैंने प्री पीएचडी रेगुलेशन बनाया, महामहिम ने उसे सारे बिहार में लागू किया, प्री पीएचडी टेस्ट का रेगुलेशन। कहने का मतलब ये है कि आज आपके द्वारा जो सिलेबस सब बन रहे हैं उस सबको हम देख रहे हैं, और आपको हिम्मत नहीं है, लेकिन जो कुछ सूचनाएं छनकर आती है, अमर बाबू जर्नलिज्म के लिए मुझे दिया था भार, मैंने प्रथम जर्नलिज्म निकाला और उसमें मेरा एक आर्टिकल था कास्ट लेसन दिया था। अमर बाबू कहा जो सचिन जी आपके शब्दों को समझने के लिए सर खुजवाना पड़ता है। तो जब मेरे क्योंकि ये जात व्यवस्था राज सत्तात्मक समाज सत्तात्मक है, स्टेटाइज सोसाइटाइज है, राज्य ने बनाया है, समाज ने स्वीकार किया है, इसीलिए ये समाज सत्तात्मक राज सत्तात्मक है ये संविधान। कहने का मतलब ये है आज मैं कर्पूरी जी की गवाही भरते हुए नीरज का जी तैयार है ना, गली गली बदनाम हो गए मेरे यहाँ से, मैंने उसकी भरी गवाही पटे पिछड़े की मैंने भरी गवाही, इसीलिए मरघट भी मेरे लिए तैयार नहीं था जलाने के लिए। तो ये गवाह हैं आप लोग मधेपुरा, मैंने जात भी समाज निर्माण का मधेपुरा कार्यक्रम बनाया, तो बड़े बड़े कम्युनिस्ट नेता कहते थे कि हाँ मधेपुरा प्रोग्राम, ये प्रश्न उनसे कहा करते थे वाय मधेपुरा प्रोग्राम। मैं कहता था मैं कोसी पुत्र हूँ और कोसी कभी भी जात पात को बर्दाश्त करने वाली धारा नहीं रही। आज का कुशाहा हम लोग प्रत्यक्ष गवाह,
डोमी, चमैन, बाभन सब एक ही नाव पर बच्चा जन्मा रही है। नियन हिंदू और दगरिन उसको कपड़ा झाँप करके बच्चा। तो ये है कोसी का पुरुषार्थ, महानंदा का पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ अन्यत्र गंगा में, ब्रह्मपुत्र में कहते हैं कि वहाँ की धारा इतनी नहीं बदलती है जो टोला बभन टोली, चमर टोली, डोम टोली को ध्वस्त कर देती है एक ही बार में। सेग्रीगेटेड बास को वह बर्दाश्त ही नहीं करती है, इसीलिए इसका नाम मधेपुरा कार्यक्रम रखा गया है। और राष्ट्रपति ने कहा यू आर ऑन नोबल मिशन एज सपोर्टिंग, मैंने कहा यू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सपोर्टिंग इंडिया सपोर्ट। तब उन्होंने कहा फॉर दिस यू हैव टू ऑर्गेनाइज ए न्यू लिबरेशन मूवमेंट, एक नए सामाजिक आर्थिक मुक्ति का राष्ट्रीय आंदोलन चलाना होगा। और आप लोगों से आग्रह है, आज गवाही भरते हुए कर्पूरी जी की मैं कह रहा हूँ कि मधेपुरा में मधेपुरा यूथ फॉर कास्टलेस इंडिया बने, ऑल इंडिया यूथ फॉर कास्टलेस इंडिया नहीं, मधेपुरा यूथ फॉर कास्टलेस इंडिया। क्योंकि मधेपुरा का पुरुषार्थ कोसी पुरुषार्थ, वह कभी भी डोमटोली, चमर टोली, बवन टोली, मियां टोली, हिंदू टोली को बर्दाश्त नहीं करती है वह प्रचंड भारत। धन्यवाद। इस कड़ी में आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर जवाहर पासवान सर को कि हम सभी को दो शब्द संबोधित करेंगे। ठीक, सबसे पहले माया के अध्यक्ष सहित संपूर्ण माया परिवार को हम धन्यवाद इसलिए देते हैं कि मधेपुरा समाजवादियों की धरती रही है और समाजवादियों के नाम पर ही हमारा बीएन मंडल विश्वविद्यालय है, और आपके अथक प्रयास बीएन मंडल विश्वविद्यालय कैंपस में कर्पूरी ठाकुर को स्थान मिला है। इनके प्रतिमा को लगाने के लिए आपने बहुत अथक प्रयास किया और आपका प्रयास सफल रहा, जिस वजह से आज हम लोग तमाम मधेपुरा के प्रबुद्ध जन उपस्थित होकर उनके जन्म जयंती पर अपनी उद्गार व्यक्त कर रहे हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आज कर्पूरी ठाकुर के जन्म दिवस के अवसर पर उपस्थित हमारे पिता तुल अभिभावक, बीएन मंडल विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव प्रोफेसर सचिंद्र महतो साहब, पिता तुल अभिभावक बीएन मंडल विश्वविद्यालय के पूर्व सीसी डीसी अमोल बाबू, और बीएन मंडल विश्वविद्यालय के स्थापना काल से बीएन मंडल के उत्तरोत्तर विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे कुलपति के निजी सहायक हमारे बड़े भाई शंभू यादव जी, दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल के निदेशक एवं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मधेपुरा के अध्यक्ष हमारे मित्रवत साथी किशोर जी, हमारे छोटे अनुज बीएन मंडल विश्वविद्यालय के पीआरओ, बीएन मंडल विश्वविद्यालय के अकादमिक रजिस्ट्रार और टीपी कॉलेज के दर्शन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष सुधांशु शेखर जी, भाजपा के युवा नेता अंकेश गोप जी, पत्रकार पुरवसु जी, प्रशांत जी, सौरभ चौहान जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम प्रबुद्ध जन। हम अभी अपने अभिभावक से कर्पूरी ठाकुर के जीवन दर्शन को समझ रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा। और आज इनके जन्म जयंती के अवसर पर हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति संघर्ष करते हैं, जो व्यक्ति समाज के अंतिम व्यक्ति के दर्द को समझते हैं, जो व्यक्ति समाज के अंतिम व्यक्ति के
दर्द के साथ खड़े रहते हैं वही जन जन के नेता हैं, वही जन जन के नेता कहलाते हैं। और जब वो इस दुनिया में नहीं भी रहते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें याद कर उनके कर्म को याद किया जाता है, उनके किए गए कार्य को याद किया जाता है। ऐसे ही हमारे बिहार के लाल, देश के जन जन के नेता कर्पूरी ठाकुर साहब थे। हम उनके जन्म जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और हम कहना चाहेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सिर्फ बिहार नहीं, देश में पहले व्यक्ति कर्पूरी ठाकुर हैं जो मुख्यमंत्री बनने के बाद समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए प्रावधान किए, संख्या के अनुपात में उसे आगे बढ़ाने के लिए उसे प्रतिनिधित्व दिए। हम ऐसे महामानव को नमन करते हैं और हम चाहेंगे कि ऐसे महामानव के जीवन दर्शन को अपने जीवन दर्शन में उतार के हम समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ पुनः नमन करते हुए हम माया परिवार को धन्यवाद देते हैं इस पुनीत कार्य के लिए। बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। डॉक्टर जवाहर बाबू को हम इस कड़ी में आमंत्रित करते हैं अपने उपकुल सचिव शैक्षणिक डॉक्टर सुधांशु शेखर जी से कि हम सभी को दर्शक संबोधित करें और छोटों को मेरी शुभकामनाएं। मैं आज इस अवसर पर सबसे पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं और माया को बधाई देता हूं कि उनके प्रयास से आज हमारे विश्वविद्यालय में कर्पूरी जी की प्रतिमा स्थापित होने जा रही है। और मधेपुरा आए हुए हमें 4.5 वर्ष हो गए हैं और पहली बार मैं कर्पूरी जी के जयंती कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूँ। यह अवसर मुझे माया ने दिया है, इसके लिए मैं माया को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। और आप सभी जानते हैं कि जो आज़ादी की लड़ाई थी उस समय हमारे राजनीतिक आंदोलन के साथ साथ सामाजिक एवं रचनात्मक आंदोलन भी चलते रहते थे। एक तरफ हम अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते थे तो दूसरी तरफ हम इस बात के लिए प्रयास करते थे कैसे हमारा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण हो, कैसे हमारा सामाजिक पुनर्निर्माण हो, कैसे हमारा शैक्षणिक उत्थान हो, हमारी अपनी व्यवस्था कैसे बने, हमारी अपनी स्वदेशी अर्थव्यवस्था कैसे बने, हमारा गांव कैसे स्वावलंबी हो, इसके लिए भी हम प्रयास करते थे। एक साथ संघर्ष और रचना दोनों कार्यक्रम साथ साथ चलते थे उस समय। और आज़ादी के बाद भी विशेष रूप से लोहिया जी के नेतृत्व में और जो भी समाजवादी आंदोलन चले, जनसंघ के कुछ आंदोलन चले, कम्युनिस्ट आंदोलन चले, इन लोगों ने भी अपने अपने स्तर से यह कोशिश की कि सिर्फ राजनीतिक संघर्ष नहीं हो बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक मोर्चों पर भी संघर्ष हो। बहुत दिनों तक यह कोशिश चली लेकिन आज हम ये देखते हैं कि राजनीतिक संघर्ष और राजनीतिक लड़ाइयाँ तो बहुत हो रही हैं, राजनीतिक कार्यक्रम बढ़ गए हैं, पूरे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक मोर्चों पर हमारी सक्रियता बहुत ही कम हो गई है। और इसी का यह नतीजा है कि अगर हम किसी महापुरुष की जयंती पर भी आज हम उपस्थित होते हैं तो प्रायः हम देखते हैं अलग अलग जातियों के अलग अलग महापुरुष हैं, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग महापुरुष हैं। आज हमने उन महापुरुषों को भी पार्टियों में, जातियों में, उसमें बांट दिया है और उस हिसाब से हम लोग आज आयोजन कर रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है आज माया के आयोजन में, यह बिल्कुल ही क्लासलेस, कास्टलेस, पार्टीलेस ये एक आयोजन है और ये आयोजन बहुत ही बड़ा आयोजन है और ऐसे आयोजन की आज ज़रूरत है। और सचमुच में कर्पूरी जी इसी तरह के लोग थे और इनके विचारों को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और मुझे तो लगता है जैसे आइंस्टीन ने कहा था गांधी जी के बारे में, तो आने वाली पीढ़ियाँ बड़ी मुश्किल से विश्वास करेगी कि हार मांस का कोई पुतला इस धरती पर इस तरह का चला था। तो लगता है कि 10-20 साल बाद तो मुश्किल हो जाएगा लोगों को यह कि कर्पूरी जी जैसे लोग भी मुख्यमंत्री बने थे, कर्पूरी जी जैसे सादगी और सच्चाई वाले लोग भी इस राजनीति में सर्वाइव कर पाए थे। क्योंकि आज हम देखते हैं साधारण से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ना भी इतना मुश्किल हो गया है और हमारे समाज में भी जो सम्मान है, हम बड़ी बड़ी गाड़ियों को, पैसे वालों को ही ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं, एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी उन्हीं को मिल रही है। तो आज निश्चित रूप से यह ज़रूरत है हम अपने मूल्यों को ही बदलें,
मूल्य परिवर्तन करने की जरूरत है, सादगी को महत्व देने की जरूरत है, सच्चाई को महत्व देने की जरूरत है, और हमें यह इस बात को महत्व देना चाहिए कि किसके पास ज़्यादा पैसा है उसको नहीं, बल्कि कौन सा व्यक्ति सादगी के साथ जी रहा है। कर्पूरी जी के प्रति हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम अपने जीवन में भी उनके विचारों को, उनके कार्यों को कुछ ना कुछ जितना भी संभव हो सके आत्मसात करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को मेरा प्रणाम। सुधांशु भैया को और अभी बोलने के लिए बहुत सारे लोग हैं, मैं उन सभी से माफी मांगते हुए अपने संरक्षक किशोर सर से आग्रह करता हूं कि हम सभी को दो शब्द संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, माया के अध्यक्ष, और शायद इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी आप कर रहे हैं, मैं थोड़ा विलंब से आया हूँ। आज के इस अवसर पर उपस्थित हमारे अभिभावक आदरणीय सुचिंद कुमार महतो सर, इस अवसर पर उपस्थित जाने माने शिक्षाविद, हमारे अभिभावक डॉक्टर अमोल राय सर, इस कार्यक्रम में उपस्थित विश्वविद्यालय के विभिन्न पदों को सुशोभित कर रहे हैं, और वर्तमान में केपी कॉलेज मुरलीगंज के प्राचार्य आदरणीय बड़े भाई जवाहर पासवान सर, अभिभावक शंभु बाबू, मित्रवत भाई सुधांशु शेखर जी, युवा नेता अंकेश गोप जी, सौरभ जी, हमारे मॉडर्न पब्लिक स्कूल से हैं शंभु जी, मीडिया के एक प्रत्येक चीन कहा जाए मधेपुरा में तरबसु जी, और वेब पोर्टल के जाने माने संपादक प्रशांत जी। आज बहुत ही शुभ घड़ी है, कई वक्ताओं को मैंने सुना, और वास्तव में कर्पूरी जी जैसे समाजसेवी, एक अंतिम कड़ी की खड़े व्यक्ति का आज जगह जगह पर उनका जन्म उत्सव हम लोग मना रहे हैं, यह हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है, यह अवसर मिला है हमें। मैं बताना चाहूँगा, माया के स्थापना काल से ही सबसे पहला जो आगाज था कि क्यों न हम लोग ऐसे महापुरुष के अवसर, जन्म अवसर हो या पूर्ण उत्सव हो, उस अवसर पर हम लोग एक सेमिनार का आयोजन करें, एक गोष्ठी का आयोजन करें, ताकि उनका जो व्यक्तित्व रहा है उस व्यक्तित्व को जानने का मौका आने वाली पीढ़ी को मिले, और उसे आइडल के रूप में स्वीकार करें। हमारा समाज जो पूर्व का हमारा इतिहास रहा है, संगठित होने का इतिहास रहा है, उस पर अमल करें, और यह पहल माया ने किया। हमें याद है पहली बार शायद 16 या 17 ईस्वी में कर्पूरी चौक पर हम लोगों ने छोटा सा आयोजन इसी प्रकार का किया था, और कई संगठन ने समर्थन दिया था। कर्पूरी जी का शायद उस समय एक ही प्रतिमा वहां हुआ कर, प्रतिमा नहीं था, सिर्फ चबूतरा बना हुआ था, और जब उसके डेप्थ में हम लोग गए, हम लोग निस्वार्थ भाव से उस कार्यक्रम में गए हुए थे, कोई ऐसा राजनीतिक, जैसा अभी सुधांशु सर ने कहा, या कास्टलेस और पॉलिटिकल लेस कार्यक्रम है, ठीक इसी प्रकार से सभी संगठन ने माया को सपोर्ट किया था कि ये बहुत बड़े महापुरुष हैं, हमारे समाज से हैं, और इनकी प्रतिमा लगनी चाहिए, बेहतर आयोजन होना चाहिए। इस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने वहां कार्यक्रम किया, लेकिन शायद जो राजनीति की ढेलपिच नीति है उस नीति में वो फंस गया, और प्रसन्नता इस बात से है कि उस कार्यक्रम में हस्तक्षेप करने के बाद ही वहां प्रतिमा लगी, यह बहुत बड़ी प्रसन्नता है। जी बिल्कुल,
91 में शायद वहां पर चबूतरा बना था वो, और 91 से लेकर के 2018 ईस्वी माँ के प्रतिमा लगना और माया के हस्तक्षेप पर प्रतिमा लगना माया की सफलता को दर्शाता है। मैं चाहूंगा एक बहुत अच्छा जो है वक्तव्य अभी आया है हमारी अभिभावक के द्वारा, बहुत अच्छा लगा, और शायद इसके हम लोग अनुयायी भी हैं। कास्टलेस मधेपुरा और कास्टलेस इंडिया की बात हम लोग करते हैं। मैं चाहूंगा कि माया में सभी प्रकार के लोग हैं, अर्थ वाले लोग भी हैं और फॉलोअर्स वाले लोग भी हैं। यहाँ पर धन भी है और बल भी है, दोनों तरह का है, पब्लिक सपोर्ट भी है इसमें, इसके ग्रुप में। एक प्रोग्राम तय हो, बेहतर आयोजन हो और हम लोग इस मूवमेंट की ओर आगे बढ़ें। कुछ और भी हम लोगों ने इससे पहले नदी संरक्षण के लिए हम लोगों ने काम शुरू किया था। मैं चाहूँगा कि पॉलिटिकल रूप से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमारे बीच में अमूल बाबू हैं और भी लोग बैठे हुए यहाँ पर। सर, सरकार भी आपकी है, आप उसमें सहायक हैं। एक बहुत बड़ी योजना थी नदी संरक्षण का, और मुख्यमंत्री का भी एक सपना रहा है जल जीवन हरियाली का, एक कार्यक्रम उनका रहा है, उसके तहत ये आता भी है। आप अलायंस पार्टी में भी हैं वहां पर, अगर इस पर पहल किया जाए, मधेपुरा से इसकी आगाज हो, हमें लगता है कि सुंदर मधेपुरा, स्वच्छ मधेपुरा और हरा भरा मधेपुरा बनाने में अगर इस सभी लोगों का सहयोग होता है तो एक इतिहास का काम करेगा। और आज अगर हम लोग ऐसे महापुरुष के अवसर पर जो हम लोगों ने प्रण किया था, अगर उसको हम लोग सुचारू ढंग से आगे बढ़ाने में काम मदद करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो शायद यह शुभ अवसर पर लिया गया संकल्प बहुत ही सही साबित होगा। मैं अंत में पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस महापुरुष को अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कर्तव्य। और हम सभी हम आग्रह करते हैं अपने संरक्षक तुर्वसु जी से कि इस कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ उपस्थित भूपेन नारायण मंडल विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव, पूर्व CCDC अमोल राय जी, प्राचार्य जवाहर सर, शंभु उम्मा और सुधांशु भाई साहब, सारे लोग, आज कोरोना काल भी चल रहा है और इस कार्यक्रम को हम लोग बड़े स्तर पर करना भी नहीं चाह रहे थे और इसीलिए छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन आप तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और आज कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती में शामिल हुए, इसके लिए आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। माया परिवार की तरफ से हम आप लोगों के आभारी हैं, जो आप लोगों के ही सफल प्रयास से, जो काफ़ी दिनों से माया परेशान था कर्पूरी जी के प्रतिमा को लेकर, और ये अवसर आप लोगों के द्वारा मिला और आज यहाँ पर हम लोग पहला कार्यक्रम शिलान्यास के बाद कर रहे हैं, तो ये इसके लिए आप तमाम लोगों का माया आभारी है। और आगे भी हम लोग इस तरीके से कर्पूरी जी के विचार को और जो भी उनके प्रतिमा के निर्माण की आगे की कार्रवाई होगी उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ आप तमाम लोगों का धन्यवाद। सर, एक मिनट, फोटो ग्रुप।